हेलो, सुस्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्राइटेस्ट का एक और एक्साइटिंग पार्ट। और इस पार्ट में हम देखेंगे कि सब लोग रिजरेक्ट होने के बाद आखिर वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं सिल्वर सिटी न्यू मैक्सिको में, जहाँ पर हम देखते हैं हॉक, डव और डेडमैन को, जहाँ पर वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि हम वापस क्यों आए, ये मुझे अब पता चला। मैंने सबके विजन्स देखे। डेडमैन आगे कहता है कि मास्टर मैनेंटर, फायरस्ट्रोम, मैक्सवेल लॉर्ड सबके। तब डव पूछती है कि ये मैक्सवेल लॉर्ड कौन है। तब लैंटन कहती है कि वो वॉर को शुरू होने से पहले ही रोकेगा। आगे हॉक कहता है कि रुको डेडमैन, अगर लैंटन ने जैसा कहा कि हम अनदर हीरो के लिए ये सब सेट करने वाले हैं, तो मैं किसी का पपेट नहीं हूँ जो किसी के लिए ये सब करता फिरूँ, या फिर किसी वुमन के लिए। मैं सेकंड चांस इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे क्राइम के खिलाफ अपनी वॉर जारी रखनी है। तब डेडमैन कहता है, हॉक शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन व्हाइट लैंटर्न ने जो कहा है कि अगर मैंने या फिर तुमने उस अनदर हीरो के लिए स्टेज सेट नहीं किया, तो ये मेरे हाथ से कभी नहीं जाने वाली। और अगर मेरे पास यही एक चांस है इस रिंग को अपने हाथ से निकालने का, तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। आगे डव उससे कहती है, अगर लैंटर्न ने कहा कि हॉक तुम वापस क्यों आए, तब वो कहता है, मैं इसलिए वापस आया क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। तब वो पूछती है, लेकिन किससे? और वो आगे डेडमैन से कहती है कि रिंग से पूछो कि मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों है। तब बॉस्टन पूछता है रिंग से कि डब को किससे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तब लैंटन कहती है कि हम सभी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और हमें एक न्यू प्रोटेक्टर की भी ज़रूरत है, तो जल्द से जल्द उसे ढूंढो। तब आगे डेडमैन कहता है, अगर मैंने जल्द से जल्द चूजन वन को नहीं ढूंढा, तो तुम मेरे हाथों से कभी नहीं निकलने वाली। और अगर मैंने एक बार उसे ढूंढ लिया, तो यही एक चारा होगा कि तुम मेरे हाथों से वापस चली जाओ। तो मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और मुझे पता है कि इसके लिए मुझे कुछ पॉइंट्स कौन दे सकता है? ग्रीन लैंटर्न। तब डब कहती है कि रुको डेडमैन। तब वो कहता है, डब तुम दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मुझे कुछ करना है। और रिंग से वो कहता है कि मुझे हेल जॉर्डन के पास ले जाओ। और तब रिंग उसे टेलीपोर्ट करने ही वाली होती है कि उसके साथ डब टेलीपोर्ट हो जाती है और हॉक वहीं पर उन दोनों को टेलीपोर्ट होता हुआ देखता है। आगे हम देखते हैं टनामी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर मिस मार्शंस जाग चुकी थी और वो कह रही थी, तुमने मुझे हील किया जब मैं मरने वाली थी जॉन, और तुम इतने ब्राइट क्यों हो गए? तब वो कहता है, मुझे लगता है कि मैं व्हाइट लैंटर्न बन चुका हूँ। तब वो आगे कहती है, हाँ मैंने भी ये फील किया कि वो लाइट मेरे अंदर जल रही थी, लेकिन वो मुझे हर्ट नहीं कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह सब हुआ कैसे। तब वो आगे बताता है कि मेरे पास भी कई क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स मुझे चाहिए, जैसे कि मैं रिजरेक्ट क्यों हुआ, और सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल है कि तुम्हारे साथ ये किसने किया। तब वो कहती है कि एक मार्शियन ने। तब वो बताता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि स्टील जोन में जो व्हाइट मार्शियन चेंबर है, उसमें से कोई भी मार्शियन गायब नहीं है, सभी गिने हुए हैं। तब वो कहती है, नहीं, वो एक ग्रीन मार्शियन है जॉन। तब वो कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं अपनी नस्ल का एक लौता बचा हूँ, प्लग ने उन सबको मार दिया था, ऐसा नहीं हो सकता। तब वो कहती है कि वो एक ट्रिक थी, वो उसमें से बच निकली थी और मैंने ये जानकारी उसी के माइंड से निकाली थी जब वो मुझे ब्लॉक कर चुकी थी तब। और उसे समझाने के लिए वो कहती है कि मैं अपना माइंड तुम्हारे लिए ओपन कर रही हूँ, तो मुझ में जाओ और देखो कि मैंने क्या देखा। और तब हम देखते हैं उस मार्शियन को मिस मार्शियन के साथ लड़ते हुए, जहाँ पर वो कह रही थी कि तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें बचा सकता है मुझसे। तब वो उससे कहती है कि तुम हो कौन। और इसी के साथ आज का एपिसोड शुरू होता है। एक बार जो 12 विलन और हीरोज मर चुके थे, वो रेजरेक्ट हो चुके हैं एक ऐसी लाइट से जो कि अर्थ के डीप सेंटर से आ चुकी है। और वो लोग वापस क्यों आए, ये अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक मिस्ट्री नहीं रहेगी क्योंकि ये है ब्राइटेस्ट डे। आगे वो मार्शियन मिस मार्शियन के साथ लड़ रही थी और साथ ही साथ उसे अपनी किए पर पछतावा दिखा रही थी और उसे मेंटली हरास कर रही थी। वो उससे कह रही थी कि मैंने तुम्हारे माइंड के अंदर देखा और मेरे माइंड के अंदर जाने का अगर ये आइडिया है, तो ये सबसे घटिया आइडिया होगा तुम्हारा, क्योंकि तुमने इसके साथ ही अपनी फ्लो को शर्मिंदा किया है। तुमसे नौ से क्या मार्शियन मैंने आज तक नहीं देखा। और वो आगे उसका माइंड पढ़ते हुए कहता है, तो तुम यहाँ पर रॉकेट के जरिए आई वेगा सिस्टम में जब सिविल वॉर चल रहा था ग्रीन्स और वाइट्स के बीच में, और तुम आउटबैक जिसे कहती हो, वो तुम्हें अपने घर की याद दिलाता है और यहाँ पर तुम कंफर्टेबल हो।
और इसी वजह से तुम सब कुछ छोड़ चुकी हो। और वो आगे कहता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि यह सब कुछ झूठ है, तुम एक झूठ हो, यह सब कुछ एक झूठ है। आगे मिस मार्शन उसे टक्कर देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मेंटली कमज़ोर करने के बाद वो उस पर फिजिकली भी टॉर्चर करने लगता है और वो मिस मार्शन पर धीरे धीरे हावी होने लगती है। आखिर वो मिस मार्शन को मार ही देती है और इतना सब देखने के बाद जॉन मिस मार्शन के माइंड में से बाहर आ जाता है और आते हुए वो कहता है, हाँ तुमने सच कहा, ये सही है, मैं अपनी नस्ल का आखिरी नहीं बचा हूँ, एक और मार्शन खुली घूम रही है। यहाँ हॉक वर्ल्ड में यहाँ पर हॉकमैन और वो लायन मैन दोनों ही आगे बढ़ रहे थे। जहाँ पर हॉकमैन कहता है कि हम जा कहाँ पर रहे हैं, तब वो कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हें सब कुछ जानना है जो यहाँ पर हो रहा है, और वहाँ पर लोग उसे छूते हुए कह रहे थे कि यही है वो यही है जिसमें से लाइट निकली थी। आगे वो कहता है, मैंने सिटी ऑफ ग्रीन देखी, फॉरेस्ट देखे जो हवा में लटक रहे थे, और वो उन लोगों से कह रहा था कि छोड़ो मुझे, मैं कोई गॉड नहीं हूँ और मुझे ये भी नहीं पता मेरे साथ यहाँ पर हो क्या रहा है। आगे वो लायन मैन कहता है, क्या तुम इसके बारे में श्योर हो अर्थमैन, क्योंकि हमारे पास रोज़ रोज़ ऐसे विजिटर नहीं आते जो कि अपने शरीर में से कुछ लाइट निकालते हैं और बाकी सबको हील कर देते हैं। तब वो कहता है कि मेरा विश्वास करो, तुम्हारे टोन से मुझे ये लगता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर रहे हो, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। आगे लायन मैन कहता है, मैं गॉड्स में तो बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं खुद में बिलीव ज़रूर करता हूँ और मैं हूँ टोनरार, लायन मैन प्राइड का लीडर। तब हॉकमैन कहता है, लायन मैन, मैंने तुम्हारी काइंड पहले भी देखी है गेटवे के दूसरे साइड पर। तब वो कहता है, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि प्राइड के मेंबर्स जो बचे हैं वो यहीं पर है, इसके अलावा हॉकवर्ल्ड के बाहर कोई भी नहीं है। तब वो कहता है, शायद मैंने तुम्हारे जैसे किसी को देखा होगा। और तभी वो बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी लायन मैन उसे पीछे खींचता है और तब हम देखते हैं एक लाश को गिरते हुए ऊपर की सिटी से, जिसे देखकर हॉकमैन उसे इंस्पेक्ट करने लगता है और टोनरार कहता है, यही होता है जब तुम एंथ मेटल के माइंस में काम करते हो और फेंक दिए जाते हो, तुम किडनैप करने के बाद वहाँ पर एक गुलाम की तरह भेजे जाते हो एंथ और रिमूव करने के लिए, और जब तुम इसके लिए वीक हो जाओ और काम ना कर पाओ तो तुम इस तरह किसी कचरे की तरह नीचे फेंक दिए जाते हो, और ऊपर वाले हमेशा यही करते हैं हमें हमारा पॉइंट दिखाने के लिए। और वहाँ पर रखे कुछ स्टैचूज को देखकर वो पूछता है कि आखिर ये स्टैचूज है किसके। तब टोनरार कहता है कि इनके असली नाम इनके एजेस के साथ ही मिट चुके हैं, इनके जैसे ही वो भी हिस्ट्री बन चुके हैं। और वो आगे जाते हैं उनके पैरों में, जहाँ पर लायन मैन यानी कि टोनरार हॉकमैन को उनकी हिस्ट्री दिखा रहा था, जहाँ पर वो कहता है, ये रही हिस्ट्री हॉकवर्ल्ड की जो कि ओरल हिस्ट्री बन चुकी है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती रही है सब लोगों की तरफ। हॉकवर्ल्ड प्लैनेट्स के बीच में एक ब्रिज था अर्थ और थैनागार के बीच, ह्यूमंस यहाँ पर आए हजारों सालों पहले और उनके और हमारे प्राइड के बीच कुछ बनी नहीं, और ये दुश्मनी तब गहरी होती गई जब एंथ मेटल ढूंढ निकाला इंसानों ने, उस मेटल ने उन्हें उड़ने की काबिलियत दी। यहाँ पर विंग्स का मतलब था पावर और ह्यूमन ने उसी पावर के साथ हम पर फोर्स और फियर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन उस नेवर एंडिंग वॉर के बाद उन्होंने ब्लड लाइन्स के साथ मर्ज होने का फैसला ले लिया और एक सीक्रेट पोर्टल थनागर के बीच डिस्कवर कर लिया गया, लेकिन उसके साथ ही एक रेस्टलेस वन वॉर शुरू हो गई और एक नया दौर शुरू हुआ उस नई दुनिया पर राज करने का। यहाँ पर आगे वो कहता है, और इसी वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैओस बचा है बचे हुए कुछ सालों से, या यूँ कहो कि हजार सालों से यहाँ पर यही है, और एंथ मेटल जो हमारे अभी पाँव के नीचे है वो इस हॉक वर्ल्ड की हिस्ट्री बन चुका है। और जैसे कि यहाँ पर एक और अर्थलिंग दिखाई दिया था जिसने पूरी तरह से मैनॉक्स का कंट्रोल ले लिया और एक सिटी फील्ड की क्लाउड्स के बीच में, और जब से वो यहाँ पर आई तब से उसने सबका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया क्वीन श्रेक ने, और हजारों सालों से यही होता रहा है। तभी उस गुफा के बाहर लोग आकर हीलर को पुकार रहे थे, तब वो कहता है, लगता है तुम्हारी स्टोरी हमें बीच में छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर बाहर आने के बाद हॉकमैन और टोनरार उन लोगों को देखते हैं, जहाँ पर टोनरार कहता है, लगता है तुम्हारे अराइवल की बात स्प्रेड हो चुकी है और इन दुखी आत्माओं को तुम्हारे हीलिंग की जरूरत है। तब वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये दुखी है टोनरार, तुम्हें कुछ आत्माएं दिखती है जख्मी और मुझे दिखती है एक आर्मी। यहाँ पर हॉकवर्ल्ड के क्लाउड्स में यानी कि एन सिटी में शायरा उन सभी पर भारी पड़ रही थी और एक एक करके उन सभी को मारते हुए वो बढ़ रही थी हाथ सेट की तरफ, और आगे बढ़ते हुए हाथ सेट उसे कह रहा था कि मुझे लगा था कि मैं चीट कर लिया गया जब तुम लोग ब्लैक लैंटर्न बन गए, लेकिन जब तुम वापस आए तब तुम्हें मारने का मजा ही कुछ और होने वाला है। तब शायरा कहती है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे क्वीन के अम्यूजमेंट के लिए फाइट करूँ हाथ सेट,
तो ऐसा नहीं होने वाला। आगे वो कहती है, लेकिन ये फाइट तुम्हारे और मेरे बीच में होने वाली है, ना कि किसी और के बीच में। और इतना कहते हुए वो हाथ सेट की तरफ बढ़ने लगती है और साथ ही उसके गर्लफ्रेंड से कहती है, तो तुम हाथ सेट की गर्लफ्रेंड हो तो कौन हो कौन तुम। तब हाथ सेट उस पर वार करते हुए कहता है, वो जानी जाती है हॉक वर्ल्ड की क्वीन श्रक के नाम से और उन्होंने ही रूल किया है पाथवे को अर्थ और थैनागर के बीच में, क्योंकि सेंचुरी से उन्हीं का है। हाथ सेट अपना खंजर निकालते हुए आगे कहता है, और जब मैंने हॉकमैन ट्रायल ऑफ क्लम वहाँ पर बाहर छोड़ दिया, तब तुम लोग जख्मी परिंदों की तरह मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर आ गए, और तुम्हारे सोलमेट का एक बार कंकाल हाथ लग जाए तो ये सब क्लियर हो जाएगा। इतना सुनते ही हॉकगर्ल उस पर अटैक करती है और कहती है, मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या करोगे और क्या नहीं हाथ, लेकिन इस बार पहले तुम मरोगे। और इतना देखने के बाद ही क्वीन श्रैक उस पर हमला कर देती है और उससे कहती है, शायरा मैंने तुमसे हमेशा कहा है कि तुम्हारे पास अपने फादर का गुस्सा और अपनी माँ की समझदारी है। और इतना सुनते ही वो माँ कहते हुए उसे पुकारती है, लेकिन तब तक हाथ सेट अपना डैगर उसके सर में मार चुका था और उसी के साथ हॉकगर्ल बेहोश हो जाती है। यहाँ पर वो क्वीन कहती है कि मेरे डॉटर के अंदर से निकली हुई वो व्हाइट लाइट हम सबको नहला चुकी है और मेरे पुराने जख्म भी भर चुके हैं। तब हाथ सेट कहता है, हाँ मेरी क्वीन, पुराने जख्म तो भर चुके हैं, लेकिन अब नए देने की बारी आ चुकी है। और आगे हम देखते हैं हॉकमैन को टोनरार को एक आर्मी के साथ वहां पर बढ़ते हुए। यहाँ टनामी डेजर्ट में मिस मार्शन और मार्शन मैनहंटर दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें एक साथ मिलकर साइकिक डिफेंस कमजोर करके उस एंटिटी को ढूंढना होगा। तब वो कहता है, क्या तुम रेडी हो। तब मिस मार्शन कहती है कि शर्त लगा लो। वो दोनों एक दूसरे के साथ साइकिकली कनेक्ट होके उस एंटिटी को ढूंढने लगते हैं। वो कहते हैं, फोकस करो पूरे ग्लोब पर और किसी भी टेलीपैथिक एनामली के लिए हंट करो। और काफी ढूंढने के बाद मिस मार्शन कहती है, मुझे लगता है मुझे कुछ मिल गया। तब मार्शन मैनेटर कहता है, हाँ मैंने उस पर लॉक कर दिया है और ये एक टेलीपैथिक ब्लैक होल है और ये ब्लैक होल है स्टार सिटी में। और तब हम देखते हैं मार्शन मैनहंटर को स्टार सिटी के ऊपर बढ़ते हुए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।